आरएमएचएफ चैनल की तरफ से रफाकत गिल का आप सबको सलाम। जैसा कि आप गुज़श्ता वीडियोस में देखते हैं, हम किसी न किसी अपने ऐसे भाई या बहन को लाते हैं जो किसी न किसी चीज़ के लिए हमें मालूमात देते हैं। लेकिन आज की जो वीडियो है ये इसलिए ख़ास है क्योंकि आज हम जिस शख्स के पास हैं ये पहले नून लीग में थे, फिर ये पीटीआई में गए, अब वापस नून लीग में आ गए। ब्रदर कामरान अमानत हैं जो कि गुवावे के सदर भी हैं। ब्रदर कामरान थैंक यू, आपने हमें टाइम दिया और पंजाबी बंदे हो तो ना खोल के पंजाबी गल कर मज़ा हो रहा है। तो मैं यह पूछना चाहवागा पहले नून लीग फिर पीटीआई फिर वापस नून लीग, कम टू द पॉइंट स्ट्रेट गल है। मैं सब तो पहले रब का शुक्र अदा करना किसी मेरे को आए हो और बहुत सारी ऐसी चीज़ा ने जिड़िया साढ़े पाकिस्तान जीडिया खड़िया हुई है। इस तरह के लीडर बहुत बड़ी बड़ी गल् करते हैं साढ़े पाकिस्तान के, इमरान खान साहब ने, आसमान गुलजार साहब ने, फिर साढ़े पॉलिटिक्स के छोटे लीडर आन जो माइनॉरिटी के आ जाए बहुत से वादे करते हैं साड़ी मसीह कौम के नाल। असं तुम सड़कों का डिवेलपमेंट देंगे, अभी तुम तालीम की भी सहूलत देंगे, मगर कुछ भी नहीं होता। मैं पीटीआई ज्वाइन की थी, इस वजह तो मैं चलो यार कोई नून लीग के भी थोड़ा जहा सिस्टम ठीक से बहुत अच्छा सी, तो सबक बाग दिखाए इमरान खान साहब ने बहुत हाई लैवल के लोगों अप्रोच किया, साढ़े नून लीग के भी काफ़ी एम पी चले गए, तो पाकिस्तान के इतनी कि जी लोग मुतमिन होए इमरान खान साहब के भी कोई लीडर अच्छा है पाकिस्तान। सर सॉरी, तुसी पीटीआई ज्वाइन किया? जी मैं किया। तुसी ज्वाइन कर लिया जी, फिर तुसी वापस नून लीग चले गए? मैं तुम्हें तुसी बाद दसांगा हूं। सर मैं छोटी जी गल तुहाडा क्लियर भी करना, तुसी कह के डिवेलपमेंट के वादे किए, डिवेलपमेंट का एक वादा अगर मैं किया जाए तो गुज़श्ता रोज मेरी एक वीडियो जो नवाद की चल रही है जिस उ डिवेलपमेंट शुरू हो चुकी है, कुछ जगह तो कल भी रही जी। मैं तुम दस रहा जो असल मेन जो ना यहोनाबाद के मेन आया नून लीग की हुकूमत भी होया तो पीटीआई की हुकूमत, मगर एक साडा पाकिस्तान का हिस्सा बहुत है पंजाब, साडा जो माइनॉरिटी उन्होंने पूरा पंजाब मिलता है, पंजाब के बहुत ऐसे ऐसे हिस्से ने जितने काम नहीं हो रहे। साडा एक यहोनाबाद में खालक नगर की आबादी हैगी, खालक नगर की आबादी सब को पहले विजिट हो, तुम भी मेरे ख्याल उत्थे आए मैं गया विजिट होया, उन्होंने स्कीम बनिया, मेरे ख्याल खालक नगर जो डिवेलपमेंट नहीं हुई यहोनाबाद ला गई, और मेरा ख्याल है खालक नगर के भी पैसे यहोनाबाद इन्वॉल्व किए गए। हम तुम कह रहे हो कि डिवेलपमेंट जी यहोनाबाद चो भी अगे नहीं जी, मैं एक गल पूछना चाहवागा कि खाली डिवेलपमेंट की वजह ही हो गई है कि तुम एकदम पीटीआई ड्रॉप कर दी? नहीं, इन्होंने बहुत से साढ़े क्रिसमस चैक आते हैं, इन्होंने पीटीआई की हुकूमत साढ़े कोई अपनी रोजिया की ईद आई ईस्टर की ईस्टर की ईद आई है, तो इन्होंने सन चैक मिले हैं 55,000 के, मेरे ख्याल मेरी फैमिली के कोई ऐसे जीरो कार तलक सन, उन्होंने चैक जो बिशप विकसर साहब ने बनाए या हरून इमरान साहब के वाल साहब एम पी ए पंजाब ने इस तरह करते हरून सलामत साहब उन्होंने पी एस ओ साहब ने इन्हें जनाब चैक बनाए ने, तो सू कहे चैक आ गए तो यहोनाबाद आओ, असं यहोनाबाद चले गए। यहोनाबाद जनाब जे उन्होंने अपने पादरी साहबान सन उन्होंने चैक दिए गए, जे वर्कर नायब लोग सन उन्होंने चैक नहीं दिए, चैक दबा दिए। सॉरी सर मैं एक गल इतने करना, जितों तक मेरी नॉलेज है मैं वो करना शुरू, इस टाइम क्यादत बैठे हो तो सियासत चो तारीख तो काफ़ी नॉलेज होगी, लेकिन मेरी नॉलेज के मुताबिक गल है कि वो चैक अगर ताडे नाल है तो मैं यूज नहीं कर सकता। सर उन्होंने अजाया किया गया, दिते नहीं गए, पहुँचाए नहीं, पहुँचाए नहीं गए, अजाया किए गए, तो फिर मैं पी एस ओ साहब ने जो नोटिफाई जो मैंने किया सदर प्रेजिडेंट कोआर्डिनेटर बनाया गया एम पी ए पंजाब साहब जी, उन्होंने फिर मैं लैटर अपना लै गया, मैं कि तुम गाह लो सू जरूरत नहीं है थोड़ा काम करने, नहीं काम सब परेशान ना हो, अभी तो पूरा कंप्रोमाइज़ करा, तुम ऑफिस आओ, छियाठ सीट में अलीम खान साहब का ऑफिस है सही, तुम छियाठ सीट में आओ तो सारा कंप्रोमाइज़ करा, उ यहोनाबाद दिया दो बीबियां सन अच्छा खातूना सन, उन्होंने मैंने दो चैक इन्हें रिसीव कर दी, यह लै लो तो भी मिल जाएंगे, बकाया चैक मैनू अज तक नहीं मिलता। मेन रीजन जॉब का इन्होंने सानू इमरान खान साहब से दुख भी होंगे, लीडर बहुत अच्छे ने, मैं उन्होंने गलत नहीं कहूँ खुद अच्छा इंसान है, मगर थले जी इन्हों की कबीना बैठी वो करप्ट है। हरून साहब ने पी एस ओ अगे लगाया हरून सलामत साहब ने जी, कहते जनाब तुम पैसे की डील करो तो लोगों ने जॉब दिला। सर जो तुम जबानी गल कर रहे हो प्रूव होवे तो अभी उस गल पर बिलीव करिए या उस गल किसी शेयर करिए? सर मेरे को गवाह है, मेरे रिकॉर्डिंग मेरे को है सी, इन्हों की ऐसी
क्योंकि मैं रिफ्रैश मोबाइल में करवाया तो रिकॉर्डिंग डिलीट मेरे को गवाह है ना तुम आज तक इंटरव्यू करोगे तो तुम बंदे बुजुर्ग टाइप लोग जोड़े ना इन फ्यूचर मैं बड़ा ही मेरा जो चैनल है बेसिकली ह्यूमैनिटी जी इंसानियत दे विच किसी को रिश्वत लेना अज के दौर च घर खाली नहीं जी और रिश्वत कोई खावे वो वैसे असी वोट देने असी इस गलो देने सानू सहूलत मिले अगर वोट देने तो बाद अं लखों रुपया रिश्वत देनी अपनी जॉब्स दे जी जी मिनोरिटी के सदर का फर्ज है कि वह सानू जॉब्स मुहैया सर वो सानू अगो कहते डील करो पैसे लो सानू पैसे दो असी तुहाडा काम मगर काम पैसे नहीं खा लेंगे तो जॉब भी नहीं मिलती सर तुहाडे कोल की प्रूफ है सर मेरे को प्रूफ है मेरे को गवाह है इट्स मीन कि इन फ्यूचर जो मैं इंटरव्यू करा मैंने प्रूफ मिल जाएगी सर मैं बंदे गवाह थोड़े को देंगे वो बिल्कुल जिन्होंने सामने पैसे दिते मेरे वेखन वाले एक छोटी जी गुजारिश है कि इस इंटरव्यू मैं जल्द अज जल्द कोशिश करा अपलोड किया जाए लेकिन मैं जल्द अज जल्द कोशिश करा तुम गवाह भी दवाने क्योंकि यह कोई छोटी जी गल नहीं है एक डायरेक्ट जरा हिंट या हिट करना जिन्हें कहा जाता है हिट करना है कि यह शख्स ही रिश्वत लै दें अगर प्रूफ नहीं है ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਜੀ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਜਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਬੁਲਾ ਲੈਂਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਦੋਸਤ ਵੀ ਆਏ ਬਹੁਤ ਸੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਆ ਹਰੂਣ ਸਲਾਮਤ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ PS ਹੋਣੇ ਬਹੁਤ ਸੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਸਾਡੇ ਯੋਹਨਾਬਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨਵਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਆ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਸਰ ਮੈਂ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਭਾਈ ਸ਼ਰਮ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਵਰਕਰ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਭੜੋ ਕੰਮ ਕਰਾਣੇ ਨੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਤੁਸੀਂ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਹੋ ਦਲੀਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਅਲੀਮ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਰਿਹਾ ਹੋਏ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਯੋਹਨਾਬਾਦ ਖਾਲਕ ਨਗਰ ਦੇ ਦੁਹਾਵੇ ਦੇ ਲੋਕ ਗਏ ਅਲੀਮ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲ ਅਸੀਂ ਹਾਥ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕੇ ਮਰ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਹਿਨਮਾਈ ਉੱਥੇ ਕੀਤੀ ਪਬਲਿਸਿਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਿਆਰਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਗਏ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਫੇਸ 8 ਚਲੇ ਜਾਓ ਅਲੀਮ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਘਰ ਉਹ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੋਵੇ ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਚਲੇ ਜਾਓ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਾ ਹੋ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵਰਕਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਸਾਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਅਗਰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣੇ ਨੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਲੀਡਰ ਹੋਣ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਨਹੀਂ ਇਟਸ ਟਰੂ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇ ਕੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲੈਣੀਆਂ ਨੇ ਜੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਵੋਟ ਦਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਬੜਾ ਖਿਲਾਫ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦ ਲੋਕ ਹਾਂ ਹਰ ਘਰ 'ਚ ਅਗਰ ਲੈਂਡਲੋਰਡ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨਾ ਕਰਦਾ ਸਰ ਇਹ ਨੂਨ ਲੀਗ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਇਹ ਬਦਨਾਮ ਲੋਕ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ PTI ਡਰੋਪ ਮੈਂ ਡਰੋਪ ਕਰ ਇਟਸ ਮੀਨ ਨਾਓ ਯੂ ਆਰ ਇਨ ਅ ਨੂਨ ਲੀਗ ਤੁਸੀਂ ਨੂਨ ਲੀਗ ਦੇ ਨਾਲ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਟੀਮ ਨਾਲ ਵਾਪਸ ਟੈਚ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਟੈਚ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਕਦੀ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਡੀਲਾਂ ਕਰੋ ਡੀਲਾਂ ਕਰੋ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਇਹ ਡੀਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਆਫਿਸ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਡੀਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਲਿਆਓ ਜੀ ਬੰਦੇ ਲਿਆਓ ਤੁਸੀਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿਓ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸੇ ਦੇਗਾ ਕੰਮ ਕਰਾ ਲਿਆ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਦੇਗਾ ਉਹ ਭਾਂਡੇ ਤੁਹਾਡੇ ਯਾਰ ਕਿਉਂ ਉਹ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਵਾਮ ਇਕੱਠੀ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਆਵਾਮ ਐਵੇਂ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਰਲੀਫ ਦਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆਵਾਮ ਇਕੱਠੀ ਹੋਏਗੀ ਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਅਗਰ ਇਨ ਫਿਊਚਰ ਜੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖੋ ਪ੍ਰੂਫ ਤਾਂ ਮੈਂ ਲਾਵਾਂਗਾ ਇਹ ਇੰਟਰਵਿਊ ਚੜਾਉਣਾ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਲਈ ਵੀ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕਦਮ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸ ਬੈਠ ਕੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਗੁਆਵੇ ਦਾ ਸਦਰ ਹਾਂ ਮੈਂ ਨੂਨ ਲੀਗ ਦਾ PTI ਦਾ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ MPA ਦਾ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਗੇਜ ਕੀਤਾ ਅਗਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਪ੍ਰੂਫ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਟਾਰਗੇਟ ਹੋ ਸਰ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਲੈਟਰ ਵੀ ਜਿੱਦਣ ਆਓਗੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਗਵਾਹ ਵੀ ਉਹ ਲੈਟਰ ਵੀ ਦਿਆਂਗੇ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਬਣਿਆ ਕੈਂਟ ਦਾ ਪੂਰੇ ਕੈਂਟ ਦਾ ਬਾਰਡਰ ਬੋਰਡ ਦਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਬਣਾਇਆ ਅਤੇ ਲਾਹੌਰ ਬੋਰਡ ਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਸਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਜੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੌਬ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਜੌਬ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੱਚਾ ਸਕੂਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਸਭ ਝੂਠੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਆਜ਼ਾਦ ਆਲਮ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਲੋਕ ਚਲੇ ਗਏ MPA ਸਾਹਿਬ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇਸ ਟਾਈਮ MPA ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆਜ਼ਾਦ ਆਲਮ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਇਸ ਟਾਈਮ ਯੋਹਨਾਬਾਦ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਉਹ ਕੰਮ ਅੱਛਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਅੱਛੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਣਾਈ ਜਿਹੜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਐਸਾ ਸਿਸਟਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਬਦਜ਼ਨ ਹੋਏ ਇੱਕ MPA ਹਰੂਨ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ PSO ਜਿਹੜੇ ਹਰੂਨ ਸਲਾਮਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹ ਜਦੋਂ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੈਨਾਂ ਕਰ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਦਾ ਕੀ ਨਾਮ ਦੱਸਿਆ ਸਰ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਰੂਨ ਸਲਾਮਤ ਸਾਹਿਬ ਹਰੂਨ ਸਲਾਮਤ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਲਟਾ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੈਸੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਮੰਗੇ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਪੈਸੇ ਕੱਢ ਦੇਈਏ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜੋਬ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਦੀ ਜੋਬ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਰ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਬਲਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਲਿਆਓ ਅੰਦਰ ਦੇ ਖਾਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੋ ਸਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੀ ਜੋਬ 'ਤੇ ਲਗਾ ਜਾਵਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਡੀਲ ਕਰੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਲੱਭ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਿਆਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਫਿਸ ਹੈਗਾ ਗੁਲਬਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲੀਮ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਆਫਿਸ ਹੈਗਾ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੰਬਰ ਵੀ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ
अलीम साहब का ऑफिस अलीम साहब ही इस गल मॉल कि उन्होंने हाल तक इस गल का मेरा ख्याल उन्होंने नहीं पता है अगर वो सुन तो पूरा ही एक्शन लैंड कर देते देख ये मेरे एम पी ए पंजाब की कर रहे हैं मेरे कोआर्डिनेटर की कर रहे हैं गल मैं तो कहता सी एम साहब भी अगर देखने तेनाली तो एक्शन लैंड बहुत से ऐसे गवाह से पैदा करा कोई यही है एक बंदा नहीं होगा मेरे को बहुत से लोग ने जो गवाही देंगे सर इन फ्यूचर तक मिलने जी इस टाइम बहुत देखा जाए तो एक हाइपर टाइप जी मेरा इंटरव्यू हो चुके है क्योंकि असी किसी के उत्ते उंगली चुक रहे हैं और एक शख्स एक अदारा छोड़ के वापस क्यों आया वो कहना मैं पहले सा मतलब जो तुम नून लीग चो उदो यह सिस्टम सी ताडे ना पहले सर नहीं नून लीग च असी काम किया बहुत मुहब्बत मिलती सी इस वे छड़े है मैनू मतलब भी कोई बंदा सी जिहड़ा साडे वो मैं उन्हां दा नाम नहीं लेना चाहता उन्हां दी वजह तो मैं थोड़ी जी रंजिश हो गई तो इस वजह तो मैं छड़िया नहीं तो सानू एम पी ए साहब भी बहुत प्यार करते हैं शकील एम पी ए साहब कामरान माइकल साहब असी उन्होंने को 10 लोग बैठे ने ना बड़े खास कि असी कहते साडे दरवाजे खुल गए उन्हें कहने नहीं ब्लॉक लाओ तो साढ़े बड़े खास बंदे ने यार साढ़े पुराने वर्कर ने साढ़े बाद दरवाजे उन्होंने खुल जाते मतलब ताकि छोटी जी रंजिश मतलब रंजिश की वजह तो मैं बहुत दूर हो गया उनकी मुनिस्बत मैं वो मतलब भी अपना भी तो इधर रंजिश ही हुई तो पीडीए छड़ के मैं यही हुई मैं रंजिश सर मैं रंजिश यही है मेरे जिन्हें पाकिस्तान के माइनॉरिटी के मसीह लोग ने इन्हों की खिदमत पूरी की जाए इन्हों की मुहब्बत की जाए इन्हों पूरी इन्हों की फेवर की जाए असं एम पी ए पंजाब क्यों बनने नहीं अगर ताकि पिछले बंद रंजिश सी नून लीग वाले तो नून लीग वाले भी ऐसी गल की रंजिश सी नहीं नहीं उन्होंने नहीं नहीं उन्होंने मेरी यह रंजिश नहीं हैगी सिर्फ साड़ी कोई हुई सी सीट की गल्ला हो रही थी असं पुराने वर्कर हैं यार मतलब तो सू भी कोई अच्छी आने वाले वक्त के पोस्ट सू भी कोई मैंबर बनाया जाए छोटा मैंबर बनाया जाए कौंसल मैंबर बनाया जाए या मतलब भी कोई चेयरमैन का कोई मैंबर बनाया जाए सू कि कितने जस्ट किया जाए असं बहुत पुराने वर्कर असं मारा खादी नून लीग के पिछले मशरम दौर देखो असं कुत्ता खादी मेरे अजे भी निशान है असी पार्टी के पिछले पूरी खिदमत की उस टाइम नून लीग सारे जिन्हें भी कुछ ऐसे लोग लुटे सन असी नून लीग का खिदमत बहुत की अरशाद यूनस भी उदो मेरे नाल सी साढ़े उस टाइम जो एम पी ए पंजाब बने ने शकील मार्क साहब इन्होंने भी बड़े अच्छी तरीके का पता है असं बहुत पुराने वर्कर है पार्टी ठीक है कामरन भाई मैं चाहवागा कि इस वीडियो का बाकी हिस्से भी अपने आप में रेडी रखो क्योंकि अगर कोई शख्स अपने को प्रूव रखता है तो सानू प्रूव लेना चाहिए और अगर यह वीडियो साढ़े इमरान खान साहब तक भी जाती है या किसी के रेफरेंस ना जाती है तो वह भी इस वीडियो का इंतजार करें क्योंकि मैं अन करीब इस गल का खुलासा कराँगा फिर सब तो एक बड़ी और गल तुम मैं दसना चाह रहा उन्होंने एक ड्राइवर से सब तो पुराना उन्हें भी धोखा करते रहे उन्होंने भी कई काम उन्हें कहना यार मेरे घर उन्हें कोई पैसे मांगते रहे उन्हें भी जॉब छोड़ दी है वो अपने घर बैठा मतलब वो भी जी विलियम साहब बैठे हुए घर बैठे हुए कहते जी मेरे घर का गैस नहीं लगवाया इन्होंने तो जी गैस लगा देंगे तो जॉब ना छा जॉब कहते देखो जी मैं जॉब की उनका घर बहुत डूंगा है वन उन्होंने कहा एम पी साहब तो एम पी पंजाब एक हुक्म करो कि काम नहीं हो सकता ट्राली भी चार्ज वो उन्होंने नहीं कोई बनाओ कर बस पैसा पैसा मांगते हैं चलो सर इन फ्यूचर जरूर कामरन भाई रबता होगा और मेरे देखने वाले एक छोटी जी गुजारिश है कि कभी कभी इस तरह होंगे कि असी सच्चाई में दबा देने अज की इस वीडियो में ज़्यादा वायरल करो क्योंकि कभी कभी तुम जी वीडियो वायरल कर दे उस वीडियो के रेफरेंस न किसी ना इंसाफ हो जाता ताडे ते किते हुए जुल्म जड़े ने लोगों के अगे आ जाते हैं कि इस शख्स ने अगर जुल्म किया हर इंसान नोटा च नहीं खेड रहा असी वोट पाने कि सानू रिस्पैक्ट मिले सानू साडा हक मिले असी एक हक मांगने कि सानू गवर्नमेंट जॉब्स मिले अगर गवर्नमेंट जॉब्स नहीं तो साढ़े उत्ते जिहड़े अखराजात कर दिओ तुसीं डिवेलपमेंट लई ओह पूरे दिओ सो भाई कामरान दे नाल असी बैठे मैं भाई कामरान नूं चाहवांगा कि लास्ट में एक अच्छा जहा मैसेज साड़ी कौम भाई कामरान मैं अपनी माइनॉरिटी के मसीह जितने पाकिस्तान बैठे हुए हैं मैं उन्होंने यही पैगाम देवगा अगर साड़ी सिस्टर पढ़िया लिखिया ने या साड़े भाई पढ़े लिखे ने जॉब्स वास्ते जाते हैं अगर कोई रिश्वत का उन्होंने कोई लालच या कोई ऐसी मनियाद रखते हैं मगर तुम उन्होंने बिल्कुल शेयर करो दोस्तों उन्होंने नंगिया करो भी दोबारा रिश्वत लैन तक ना जा साडे लोगों वास्ते कोटा 5% मुकर्र किया गया है और अज भी साडा 5% कोटा जिहड़ा ना साडा महफूज है पर सानू 5% कोटे की सीटा नहीं मिल रही कितने मिल रही है कितने नहीं साडे मसीह लोग कितने पढ़े लिखे ने उन्होंने जॉब नहीं मिल रही क्यों नहीं मिल रही इन्होंने साडे माइनॉरिटी के एम पी ए फाल्ट ने मिनिस्टर भी कुछ फाल्ट ने इन्हों साफ किया जाए साडे माइनॉरिटी के लोग भी अच्छी सीटा पर आन अच्छा मैसेज देन अच्छा पैगाम देन थैंक यू भाई कामरान
और खुदावंद ने फसल अन करीब असी तुम मिलने और मैं चाहवागा कि अपन दुआवां च इंज दे बंदे नूं याद रखो जिहड़ा तुहाडे लई जंग करन लई अपने अहुदियां नूं छड्ड दिंदे ने अपनी जॉब्स नूं छड्ड दिंदे ने। सो RMHF चैनल वालों भाई कामरान ते पास्टर रफाकत वालों तुहानूं सारयां नूं सलाम ते चैनल सबसक्राइब करना ना भुलना। अगर तुहानूं अज्ज दी वीडियो पसंद आई है लाइक करो और इहनूं शेयर जरूर करना क्योंकि यह तुहाडे लई पैगाम है मेरे लिए नहीं, मैं तो काम कर रहा, मेरी तो ड्यूटी है तुहाडे तक सच नूं पहुँचाना। सो खुदावंद तुहाडे सारयां दे नाल होए। RMHF चैनल वालों रफाकत गिल दा तुहानूं सारयां नूं सलाम।